वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम बात करते हैं झालरापाटन के सन टेंपल की। आप विडंबना देखिए कि सन टेंपल है ये झालरापाटन का, लेकिन इसमें सूरज भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं कि 1857 के गदर के समय इसमें सन गॉड की मूर्ति हुआ करती थी, पूरी सोने की। लेकिन लूटने वालों ने वो मूर्ति वहाँ से 1857 के समय लूट ली, और संभवतः उसके बाद वहाँ पर खाली स्थान हो गया गर्भगृह में। तो ऐसा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब कोटा में महाराजा उमेद सिंह फर्स्ट का शासन था और उस वक्त राजकुमार थे किशोर सिंह, उनके समय में झाला जालिम सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्योंकि मंदिर का जो मेन शिखर है वो भूमि शैली में बना हुआ है, लेकिन उसके आगे के जो मुख मंडप और गर्भगृह जो मेन मंडप है उस पर डोम्स बने हुए हैं और छतरियां बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो उसका जो शिखर है वो पुराना बना हुआ है और जो डोम्स हैं वो बाद में बनाए गए हैं, क्योंकि दोनों का मैचिंग नहीं होता है। और वो संभवतः तो आपको देखने पे महसूस हो जाएगा कि जो आगे के स्ट्रक्चर हैं ऊपर के वो बाद में बनाए गए हैं, क्योंकि झाला जालिम सिंह पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंधित रखते थे, वैष्णव संप्रदाय से। हो सकता है जीर्णोद्धार के समय जब उनके द्वारा पद्मनाभ की मूर्ति स्थापित करवाई गई और मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाया गया और जो संतों की मूर्तियां हैं मंदिर के ऊपरी भाग में वो वहां पर स्थापित की गई, जो संतों की मूर्तियां वो इतनी जीवंत हैं, उनके आप पैर के अंगूठे, हाथ की अंगुलियां, केश विन्यास, मुख के भाव इस तरह से लगते हैं जैसे उनको किसी भी भाव भंगिमा में फ्रीज कर दिया हो, जैसे अभी वो बोल पड़ेंगे आपसे। इस तरह से जो कारीगरों ने उनमें जान डाली है वो एक अद्भुत चीज़ है। आप उनको देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अभी बोल पड़ेंगे। उसी तरह की कलाकारी जो शिखर है सन टेंपल का उसके बाहर की तरफ की गई है, जो भी उन्होंने अप्सराएं और भिन्न तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी है, उनका शारीरिक सौष्ठव जो रेशियो है उनका डिज़ाइन का, उनके ऑर्गन्स का, बॉडी ऑर्गन्स, उनके जो फीलिंग्स है चेहरे पर वो काफ़ी अद्भुत है। आप देखिए, ऐसा लगेगा कि कारीगर ने संभवतः अपनी पूरी कला उसमें उड़ेल दी हो। अलेक्जेंडर कनिंघम जब यहाँ विज़िट किया उन्होंने तो उन्होंने बताया, चूँकि पद्मनाभ की मूर्ति चार भुजाओं वाली है तो इसको चतुर्भुजा मंदिर भी उन्होंने कहा, और ये मंदिर भूमि शैली का मंदिर है, कोणार्क मंदिर और खजुराहो मंदिर दोनों की इसमें कुछ खूबियाँ सम्मिलित की गई है। इसका जो शैली इसको बनाने की वो कोणार्क मंदिर की तरह बनाया गया है। संभवतः इसमें भी सात घोड़े जुते होंगे पहले, जो कालांतर में नष्ट किए गए हो सकते हैं। और ये भूमि शैली का मंदिर है जिसमें इसके बाहर की तरफ कुछ मिथुन स्टाइल की मूर्तियां भी हैं और अंदर काफ़ी संतों की मूर्तियां हैं, बाहर वाहक की मूर्तियां हैं। और जो इसका शिखर है वो 97 फीट है और अंदर मंडप में 52 पिलर्स हैं। पद्मनाभ की मूर्ति है, तीन तरफ तोरण द्वार हैं और जो मेन गेट है वो मुग़ल राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है और छतरियां हैं। और जो डोम है वो ऑब्वियसली मिसमैच लगते हैं, वो कहीं से भी उससे मैच नहीं होते हैं शिखर से। जो शिखर है वो नागर स्टाइल में बना हुआ है, नागर स्टाइल में तीन तरह की जो होती है आर्किटेक्चर वो है लेटिना, शिखर और भूमिज। जो भूमिज शैली के मंदिर होते हैं वो
मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नागर स्टाइल होते हैं। तो भूमि शैली के मंदिर में चार भद्र होते हैं, भद्र रथ, उसके बाद छोटे छोटे शिखर्स होते हैं बीच में, और फिर ऊपर अमालक होता है, आमला सारिका होता है, ग्रीवा, स्कंद, उरुशंग, शुकनासा, सूरसेन का, वेदीबंद, जगती, अधिष्ठान, काफ़ी चीज़ें उसके पार्ट्स हैं टेंपल के जो हजारों सालों में इवॉल्व हुए हैं। तो जो भूमि शैली के मंदिर हैं, मतलब स्टोरी टाइप मंदिर, उनको स्टोरी टाइप, भूमि जी यानी कंट्री बोर्न और अर्थ बोर्न, एडम हार्डी के द्वारा भूमि शैली में स्टोरी टाइप टेंपल्स होते हैं। तो भूमिज, भूमि का मतलब यहाँ पर एक मंजिल से लगाया गया, तो कितने मंजिल ये मंदिर को माना गया है वो उनके जो मिनी शिखर हैं, कूट स्तंभ, उनको काउंटिंग करके हमें माना जाता है कि कितने मंदिर, कितने शिखर का मंदिर है। बहुत भव्य सन टेम्पल है, लेकिन वहाँ पर अभी एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, सब्जी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, पूरा मंदिर के आसपास से घिरे हुए रहते हैं, जिससे आप उसको एकदम ढंग से लैंडस्केप व्यू में उसका फ़ोटो नहीं ले पाते हैं। ये प्रॉब्लम है ही सही। अभी ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर में है, पद्मनाभ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है, तो यहाँ पर पूजा पूरी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नियमानुसार, उनकी परंपराओं के अनुसार होती है, वही मंगला आरती, बाल ग्वाल आरती, शयन आरती, भोग आरती, ये काफ़ी आरती यहाँ पर होती है, और वही सारे जो वैष्णव संप्रदाय के मुख्यतः त्यौहार हैं वो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाए जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वॉज, इस मंदिर को प्रतिहार राजपूत डायनेस्टी के नागभट्ट द्वितीय द्वारा संवत 870 से 71 के करीब बनाया गया था, और इसका जीर्णोद्वार 1871 शक संवत के आसपास करवाया गया, वो झाला जालिम सिंह द्वारा करवाया गया। तो संभवतः जो भी संतों की मूर्तियां ऊपर स्थापित है वो सब झाला जालिम सिंह द्वारा मंदिर को वैष्णव संप्रदाय का मंदिर दिखाने के लिए स्थापित करवाई गई हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ कुछ मूर्तियां हैं जो कृष्ण की मूर्तियां भी है, विष्णु की, और कुछ मूर्तियां सन टेंपल से रिलेटेड भी हैं, और बाहर जितने भी फ्रीजेस हैं उनमें हाथियों की मूर्तियां हैं, नाचने वालों की, म्यूजिशियंस की, और जो डेली लाइफ के सीन्स होते हैं उनकी मूर्तियां बहुत भव्य तरीके से उकेरी गई है। तो झालरापाटन शहर था, वहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी जब यहाँ पर आए थे तो उनके समय में यहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे, और जब आरती होती थी शाम को तो 108 मंदिरों की झालर और आरती इस तरह का समा बांधती थी, इसको झालरा पाटन कहा गया।
यहीं से हम एंटर कर रहे हैं झालरापाटन शहर में। यह है झालरापाटन शहर, इसको चंद्रावती के नाम से जाना जाता था, राव चंद्रसेन द्वारा बसाया गया था। जय श्याराम। उधर से आ रहे हैं झालावाड़ से और 1792 में कोटारी आसस से झालरापाटन के झालावाड़ स्टेट की स्थापना हुई। जब तक झालावाड़ के राजमहल वगैरह नहीं बन गए तब तक राज परिवार झालावाड़ झालरापाटन सिटी में ही निवास करता रहा। और जैसा कि हमने पहले देखा है मदन विलास पैलेस द्वारकाधीश मंदिर का जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है वहीं पर राज परिवार निवास करता था। फिर जब झालावाड़ के उसके राजमहल और किले बन गए तब वो वहां पर शिफ्ट हो गए। ये यहाँ की कृषि उपज मंडी है जो एरिया के किसानों द्वारा जो भी उपज की जाती है मुख्य तरह सोयाबीन, चने, गेहूं, धनिया तो यहाँ पर लाया जाता है और इसको गवर्नमेंट द्वारा ख़रीदा जाता है, प्राइवेट ट्रेडर्स द्वारा ख़रीदा जाता है। पाटन थाना डिप्टी ऑफिस। तहसीलदार ऑफिस लेफ्ट हैंड साइड। ये होटल्स हैं, होटल किरण। व्हेनेवर यू वांट टू विजिट पाटन यू कैन स्टे हियर इन द किरण होटल। कोरोना लॉकडाउन में दिस इज द लास्ट डे बिफोर कर्फ्यू दिस फ्राइडे, वन मोर डे इज आल्सो गिवन सैटरडे। तो हम चलते हैं गोमती सागर रोड की तरफ। राइट हैंड साइड में गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा, अपने नेसेंट स्टेज में है। स्लोली इट विल बी बिल्ट। और अब आ गए गोमती सागर के वॉकिंग ट्रैक पर। देख सकते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है वॉकिंग ट्रैक गोमती सागर। पहले हम सन टेंपल देखते हैं के बाद आते हैं गोमती सागर टेम्पल। गोमती सागर को देखेंगे द्वारकाधीश मंदिर और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हर्बल गार्डन। तो हर्बल गार्डन में काफ़ी उपयोगी पौधे लगाए गए हैं जो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल होते हैं हर्बल गार्डन में।
बल द्वारा बंद हो रहा है अभी गेट। दिस इज द कैफेटेरिया और ये गेट है पिंडारियों से बचने के लिए। ये झालरापाटन शहर की चार दीवारी करवाई गई। ये है द्वारकाधीश मंदिर, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर का मेन गेट, ये हम वहाँ से आते हैं सन टेम्पल से वापस रिटर्न होने के बाद देखते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो के यहीं हम ओवर करते हैं। बाय।